चलिए दोस्तों, इस मैप को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बोला गया है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो इसका वैल्यू मांगा गया है। तो देखिए, इस इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करना है। मान लेते हैं ए का वैल्यू 2 प्लस बी का वैल्यू हम लोग मान लेते हैं -1 प्लस सी का वैल्यू मान लेते हैं हम लोग -1। देखिए तब इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। तो हम लोग ए का वैल्यू कितना लिए 2, बी का वैल्यू कितना लिए -1 और सी का वैल्यू कितना लिए -1। तो चलिए आगे इस चीज़ को करते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग बताएं आपको अभी कि ए का वैल्यू हम लोग 2 लिए है, बी का वैल्यू हम लोग -1 और सी का वैल्यू हम लोग -1 लिए। तो सवाल ये पूछा है, सवाल मैंने पहले रट लिया है, मतलब इसमें पुट कर लिया है। तो यही सवाल है, ऊपर देख लीजिए ये ब्रैकेट में है। तो इसको सॉल्व करना है। 2 है, यहाँ पे 2 देखिए आप, 2 और ए का वैल्यू कितना लिया है 2 ए स्क्वायर। तो 2 के साथ ए स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर होता है 2, 2 स्क्वायर कितना होता है 4, 4 ए स्क्वायर कितना होता है 4, 4 से 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा 8, 8। अब 3 है, बी सी है, बी का मान -1 सी का मान -1, तो बी और सी तो -1, 3 से अगर -1 को गुना करेंगे तो 3 ही आएगा। अगला देखते हैं, 2 है ऊपर, 2 से बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू कितना है -1, -1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 ही आएगा, -1 ही आएगा। तो 2 से -1 होगा तो कितना आएगा -1। तो अगला देखते हैं, नीचे 3 है, 3 और सी का -1 -1, सी का -1 -1 -1 ही रहेगा, तो मल्टीपल होगा तो कितना आएगा 3 आएगा, 3 आएगा। लेकिन याद रखिए साइन चेंज हो जाएगा, -1 है ना, तो यहाँ पे साइन माइनस पे आएगा। तो 2 है, सी स्क्वायर है, तो 2 का भी -1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि -1 का स्क्वायर -1 ही होता है, -1, और 2 से ये -1 गया तो एक ही बचेगा। और 3 ए भी, 3 इसका वैल्यू थोड़ा ज़्यादा आएगा, 3 ए का वैल्यू है 2, 2 गुनी -1 -2, और इसका वैल्यू आएगा आपका, इसका भी वैल्यू 3 आएगा, क्योंकि 2 से -1 चला गया तो एक ही बचेगा ना, 3 गुना 1 3 ही बचेगा। तो अब देखिए इसका एलसीएम करना पड़ेगा, तो ऊपर तो जगह नहीं है, मैं पोछ लेता हूँ ऊपर थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा पोछ लेता हूँ। अब क्या होगा, ऊपर 8 है, -1 है, नीचे तो 3 आएगा, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 6, नीचे तो 3 आएगा, 3 से 6 को काटेंगे तो 2 आएगा। तो इसका सही जवाब कौन सा है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। चलिए मिलते हैं और एक नया वीडियो लेकर।